सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ से, डाउन टाउन दुबई दिख रहा है, बुर्ज अल अरब दिख रहा है, यहाँ से द पाम अटलांटिस दिख रहा है, मतलब बीच वाइब सारा ऑसम है। क्या हालचाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होगे। तो हम अक्सर 15 अगस्त पे पतंग उड़ती हुई देखते हैं और मकर संक्रांति में पतंग उड़ती हुई देखते हैं, पर आपको पता है दुबई में एक बीच है जिसका नाम है काइट बीच, और वहाँ पर भी कुछ लोग 8-10-15 लोग हर समय पतंग तो उड़ा ही रहे होते हैं। अब पता नहीं वहाँ पतंग उड़ाते हैं लोग इसलिए उसका नाम काइट बीच है, या उसका नाम काइट बीच है इसलिए वहाँ पर लोग पतंग उड़ाते हैं, फंडा तो पता नहीं। बट इतना ज़रूर है कि वहाँ पर लोग टीवी की साइज से लेकर ट्रक के साइज तक की पतंग उड़ा रहे होते हैं। आपको अरे बेटा, पतंग बाज तो हम हैं, एक बार तो बस जितनी बड़ी पतंग हमने यहाँ जमुना पार से लेके कुतुब मीनार तक पहुँचा दी थी हमने। वाह, इतना फेंकता है ना यार ये आदमी। सॉरी, आज इनको हम ट्राई करेंगे। डे 6, स्ट्रेटजी ऑफ द डे। स्ट्रेटजी नंबर 2 एंड स्ट्रेटजी नंबर 3। चल चल के बच गई थी पैरों की बैंड, पैरों में हो गए हैं छाले, तो ये जुगाड़ करा है, बिकॉज देखो शायद काम मिल जाए। मास्क मॉडिफिकेशन कर ली थोड़ी सी, अपन की दाढ़ी खराब नहीं होगी ना ब्रो? दाढ़ी तो खराब नहीं होनी चाहिए ना भाई। अपना 50 दिरहम वाला ब्रेकफास्ट 7-8 दिनों में तैयार हो गया है, मजा आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ आज अपार्टमेंट से लेके तू बोले ले। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपार्टमेंट से लेके डेस्टिनेशन के लिए कैब कर लेता हूँ, क्योंकि पैरों की थोड़ी बैंड बच रही है। ओहो, धूप में आके जो अच्छा लग रहा है, अपार्टमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही थी ना, धूप में आके ना ऐसा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो मौसम है ना अभी, वो ऐसा है जैसे कि पहाड़ों पे अप्रैल का मौसम होता है, बट यही धूप अगर एक घंटे आप इस टाइम पे 2 बजे के आसपास दोपहर में पैदल चल लोगे तो गर्मी लगने लगती है थोड़ी सी, क्योंकि धूप थोड़ी तेज़ है यहाँ पे। दुबई में ऐसे टाउनशिप जो होती हैं, टाउन हाउसेज होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर टैक्सियाँ नहीं मिलती हैं, तो मैं टैक्सी ढूंढना भी चाह रहा हूँ, पर अब मेरे को बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ेगा। सेफ जोन, डेंजर जोन। जो धूप अभी अच्छी लग रही थी ना, अभी वो चुभ रही है। अचानक से मेरे को धूप क्यों नहीं लग रही, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बेटर हो गया। वेटिंग फॉर माई बस, और बेस्ट टाइम पास है इस बीच में नोनू की फोटोज देखना। तो काइट बीच पहुंचने के लिए बस की कनेक्टिविटी मेट्रो की कनेक्टिविटी से ज़्यादा अच्छी है, और क्योंकि मेट्रो स्टेशन बीच से थोड़ा दूर है, पर बस जो है वो डायरेक्ट बिल्कुल बीच के बाहर उतारती है, या फिर आप टैक्सी भी कर सकते हो अगर आप 2 या 3 लोग हैं, बिकॉज फिर 2-3 लोग में टैक्सी का फेयर भी इतना महंगा नहीं पड़ता। तो हम मेट्रो स्टेशन यूज़ कर रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए नहीं, बस ये रोड क्रॉस करने के लिए, जो कि ये 6 रोड का हाईवे है।
मेट्रो स्टेशन के इस साइड हम आ गए हैं। अब यहाँ से मिलेगी हमें बस डायरेक्ट काइट बीच की। बूमरंग देखा आपने, जो इस तरीके का कुछ होता है एंगल सा, लोग जिसे फेंकते हैं और उड़ के वापस आता है, जहाँ से फेंको उधर ही वापस आ जाता है। बूमरंग तो आपने देखा होगा, बूमरंग फेंकते हुए लोग भी आपने देखे होंगे, पर आपने क्या ऐसा आदमी देखा है जो बूमरंग फेंकता है और वापस उसका बूमरंग आके उसको पट चांटा मारता है। ओ भाई हेडशॉट, ओ भाई ये जो बीच साइड विलाज हैं सारे, बस लोकल सिटीजन ही इन्हें परचेज कर सकते हैं, आउटसाइडर इन्हें परचेज नहीं कर सकते। इस बीच पे मोस्टली क्राउड फैमिलीज का है, फैमिलीज यहाँ पर मोस्टली पिकनिक करने आए हुए हैं अपने ग्रुप्स में, क्योंकि इस बीच पे ना तो 5-star होटल्स हैं ना कैफेज हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स खेलने भी आए हुए हैं। Crocs are the most comfy, and even on the beach, these are awesome. There's no sun up in the sky. There's no sun up in the sky. कुछ लोग यहाँ पे kite surfing enjoy कर रहे हैं। There's no sun up in the sky. ओ बाबा रामदेव की फैन है ये। This is the central and the most awesome location of Dubai Beach. सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ से, डाउन टाउन दुबई दिख रहा है, बुर्ज अल अरब दिख रहा है, यहाँ से द पाम अटलांटिस दिख रहा है, और द बीच वाइब्स आर ऑसम मैन। तो ये बीच साइड रनिंग ट्रैक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। ओ मोटी, ये रनिंग ट्रैक है तो सुस्ता मत, हाँ तेरे से बात हो रही है, आलसी रनिंग कर ले। अगर दुबई ट्रैवल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी क्वेरी।
थैंक यू वेरी मच. पंजा मार रही है कि तेरी बस छूट जाएगी तेरे चक्कर में. अगर आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे. बैंड स्टॉप.